राम राम जी। आप सभी लोगों का सुमन रियल ब्लॉग क्लीनिंग चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं मायके से आ चुकी हूँ। जो आई थी, बहुत ही गंदा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो सुबह जैसे ही 4 बजे, तो सबसे पहले मैं अपने क्लीनिंग में डट गई। घर का झाड़ू वाड़ू लगाया और इसके बाद पोछा लगाया, इसके बाद फिर दूसरा काम शुरू किया। और आज थी हर छठ, या हर छठ का ब्लॉग है मेरा। तो फिर मैं आप लोगों के, हर छठ होती है कि नहीं होती फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताइए कि ये त्यौहार आप लोग मनाते हैं कि नहीं। ये त्यौहार जिसके भी लड़के होते हैं, तो लड़कों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है फ्रेंड्स। तो बस मैंने सारी सफाई कर ली, अब इसके बाद बस नहा धो के फ्रेश होके आऊँगी और पूजा की तैयारी करूँगी। तो उसमें खाने पीने का, किसी किसी के यहाँ खाना पीना भी खाया जाता है, किसी के यहाँ नहीं खाते, ऐसे ही रहते हैं, फलाहार व्रत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, मुझे सपोर्ट करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो बस मैं वही झाड़ पोछा कर रही हूँ सुबह, क्योंकि रात में नींद नहीं आई थी। आज जैसे बाहर से कहीं से आओ तो अच्छी तरह से नींद नहीं लगती है, बस आके सो गए थे 4 बजे, जल्दी फिर खुल गई नींद। तो फिर मैं 4 बजे से झाड़ पोछा करने लगी और नहा धो के रेडी होकर के आ गई हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं, बस मैं ये बना ले रहे हैं, इनको हमारे यहाँ खखरियाँ बोलते हैं। ये छोटी छोटी पतली पतली बनाते हैं, तो ये पूजा के लिए रखी जाती हैं। तो ये भी बनाए ले रही हूँ और इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी पकौड़ी और दही बड़ा बनाए हैं, तो ये मैं जल्दी जल्दी निकाले ले रही हूँ इसके बाद से। क्योंकि सरसों का तेल पड़ा हुआ था, आँखों में बहुत झाग लग रही थी, तो फिर मैं साइड में हो गई। एकदम से धुआं निकल रहा था, तो शुद्ध घर का सरसों का तेल था, तो उससे बहुत झाग निकलता है जब भी पूड़ी वगैरह तलते हैं, तो वह झाग निकल रहा था। तो मैंने उसे जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो ये खखरियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ, उनको पतली पतली बनाई जाती हैं छोटी छोटी पूजा के लिए। इसके बाद मैं बनाऊँगी पकौड़ियाँ, क्योंकि कढ़ी भी बनाई जाती है, कढ़ी चावल वगैरह सब बनाए जाते हैं। तो बस और अब मैं निकाल दी, मेरी खकरियाँ बन गई हैं, मैं निकाल ले रही हूँ पकौड़ियाँ। कढ़ी के लिए भी हो जाएंगी और खाने के लिए भी हो जाएंगी, क्योंकि खाने में जिस तरह से बच्चे की छठी होती है वो खाना बनता है, उसी तरह से आज के दिन भी बनता है हमारे यहाँ पर, हमारे ससुराल में और मायके में, दोनों साइड इसी तरह से मनाया जाता है ये त्यौहार। तो आप लोगों के यहाँ होता है ये त्यौहार कि नहीं होता है दोस्तों? तो बस मैं पकौड़ियाँ भी निकाल ले रही हूँ, इसके बाद मैं बना लूँगी बड़ा और फिर इसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी। तो अब मैं नमक डाल दिया है, मैंने हींग डाल दी, उड़द की दाल रखी हुई थी उसमें नमक और हींग डाल के अच्छे से फेंटे ले रही हूँ। और बस पकौड़ियाँ बन गई हैं, खखरियाँ बन गई हैं, इसके बाद बस मैं बना ले रही हूँ बड़े, निकाले ले रही हूँ। ऐसे गोल गोल करके छोटे छोटे बनाए ले रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर 6 चीज़ें खाने के लिए रखी जाती हैं आज के दिन। जैसे पूजा करने के बाद फिर खाना खाया जाता है, तो उसमें 6 चीज़ें रखते हैं, कढ़ी है, चावल है, रोटी, खखरियाँ, पकौड़ी और बड़ा। तो बस मैं ये सब बनाए ले रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स, मेरे बड़े भी बन गए हैं और सारा सामान खाने का बन गया है। बस देख सकते हैं आप लोग भी, मेरी पकौड़ी, कढ़ी, खखरियाँ, चावल वगैरह सभी बन चुके हैं। ये देखिए, सब थाली में रखे हुए हैं
इन सबको बना लिया है, बस इसकी शौक दूंगी मैं। कढ़ी और चावल भी बना लिए हैं, सब कुछ बना लिया। बस कढ़ी बनाने के बाद फिर रोटी सेकूंगी और फिर इसके बाद मैं पूजा की तैयारी करूंगी। तो ये हैं मतलब 6 तरह के अनाज होते हैं, जैसे चना और चना, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो भी 6 मतलब अनाज होते हैं उनको भुजाते हैं। भुजाने के बाद बहुरी बनती है, हमारे यहाँ बहुरी बोलते हैं बस। तो वो मिट्टी की चुकरियाँ लाते हैं, उसको रंगते हैं और रंगने के बाद फिर हम उन सब में भर रहे हैं, ये सूप में रख करके ये चुकरियाँ रख देते हैं। फ्रेंड्स, तो बस आप लोग देखिए, अब मैं रेडी हो गई हूँ। बस अब मैं पूजा मैंने सोचा चल तैयार हो जाती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। बाकी सारी तैयारियाँ कर चुकी हूँ, तो बस अब मैं तैयार होकर के अब जा रही हूँ। फ्रेंड्स, तो आप लोग बताइए आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, ज़रूर बताइए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बस तो मैं बिल्कुल सब कुछ करके बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, सारा सामान लगा दिया है पूजा का और बस अब मैं बैठ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सूप रखा है, इसी में हम चुकरियाँ रखते हैं। एक बच्चे की, अगर एक लड़का है आपके तो उसकी 6 चुकरियाँ रखी जाती हैं और 6 पूजा की रखी जाती हैं। तो ये दीवार में हम गोबर से लीप दिया है और बस इसी से उसी में सिंदूर लगा के बना देते हैं और बस पूजा मेरी स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड्स, तो आप लोग इन्जॉय करिए और बताइए।